22 जनवरी को पूरा देश राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मना रहा होगा, लेकिन उस दिन कांग्रेस और सपा ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल ना होने की बात कही है और इन पार्टियों ने कहा है कि ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम है जिसका पार्टी विरोध कर रही है। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल ना होने पर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जब सनातन के चारों शंकराचार्य ने इसको गलत तरीके से होना बताया है तो फिर कैसे ये सही है। जब तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। ये भाजपा और आरएसएस का एक इवेंट है जिसमें पार्टी के लोग नहीं जा रहे। आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा के चार शंकराचार्य जो सनातन धर्म के धर्म गुरु हैं सबसे बड़े, उन्होंने मना किया। उन्होंने बताया कि मंदिर पूरा नहीं हुआ, निर्माण पूरा नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो धर्माचार्यों के निर्देशानुसार होना चाहिए था वो आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ये कार्यक्रम बजाय धार्मिक होने के राजनीतिक हो गया। तो सबसे पहला सवाल तो धर्माचार्यों से होना चाहिए। कांग्रेस ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि हम मंदिर का भी सम्मान करते हैं और राम के प्रति पूरे देश के करोड़ों लोगों की आस्था है, देश के प्रत्येक नागरिक की आस्था है। राम तो भारत की आत्मा है और तुलसी बाबा ने तो कहा है राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ही ले जो जान नहीं हारा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। ये हम नहीं कह रहे, ये प्रमाणिकता से तुलसी बाबा ने कहा है, रामचरितमानस पढ़िए उसमें कहा है। वहीं सपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने कहा कि यह सनातन की परंपराओं के खिलाफ हो रहा है जिसका चारों शंकराचार्यों ने विरोध किया है। तो उसमें जब इच्छा होगी तो हम जाएंगे, अपने प्रोग्राम के हिसाब से जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा, एक तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि केवल राम भक्त मोदी जी हैं और चंपत राय को तो वैसे भी त्याग पत्र देना चाहिए। जब चारों शंकराचार्य वहाँ मौजूद नहीं होंगे तो हम तो सनातनी हैं, तो हम तो शंकराचार्यों के आदेश को मानते हैं सनातनी होने के नाते। वहीं इस पर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है और इनके डीएनए में ही सनातन का विरोध करना है। ये कांग्रेस गांधी की कांग्रेस नहीं बल्कि नेहरू की कांग्रेस है। देखिए, सनातन का विरोध करना कांग्रेस के डीएनए में है। मैं, आप याद करें 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक पत्र लिखा था सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को, तत्कालीन मुख्यमंत्री को, जब सोमनाथ की मंदिर की स्थापना थी तब उन्होंने किस प्रकार की बातें की थी। आज कांग्रेस ने दर्शा दिया है, अपना डीएनए दिखा दिया है। 22 जनवरी को अयोध्या में हो रहे हैं श्रीराम भगवान प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने न्योता नहीं स्वीकार किया है और वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से अलग अलग हमारी बात हुई है और उनका साफ कहना है कि देश के चारों शंकराचार्यों ने उसका विरोध किया है, क्योंकि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो शास्त्रों में वो उसको गलत मान रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक प्राण प्रतिष्ठा का वहाँ कोई मतलब नहीं होता। इसलिए कांग्रेस और समाजवादी की पार्टी की अगर बात करें तो उसके नेता का साफ कहना है कि ये भाजपा और आरएसएस का एक इवेंट है, ये जिस कारण वो इसका विरोध कर रहे हैं।